मोदी सरकार का अंतरिम बजट जो है वो आज लोकसभा में पेश हो गया है। क्या कुछ खास है, आम लोगों के लिए कितना कुछ है, बात करते हैं कुंवर सिंह जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं ये अंतरिम बजट? मैं शिक्षा के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं इसे एक बहुत संतुलित बजट के तौर पर देखता हूँ। इस बजट में सभी वर्गों में क्या हुआ है और क्या होना है उस विषय पर बात की गई। कोई भी चुनावी वादा नहीं किया गया, तो ग्रोथ इसका मूल मंत्र रहा है। जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो इसे बढ़ावा देने के लिए, जैसे हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें देश में, उसे लेके अक्सर चर्चा होती है, तो एक समिति बनाने की, आयोग बनाने की बात की गई है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें। मैं देखता हूँ यदि उस तरह की बातें होंगी तो ग्रोथ आएगी, क्योंकि जब हम शिक्षण संस्थाएं बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, रिसर्च होगी, इनोवेशन होगा, और जब शिक्षित होगा भारत तो विकसित होगा भारत। अगर एजुकेशन सेक्टर की खास तौर पर ही बात करें तो सर, एजुकेशन लोन की बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट, जैसा कि आपने कहा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या कुछ उसको ध्यान में रखते हुए किया गया या फिर संतुलित है? देखिए, कोई इस तरह की विशेष घोषणा नहीं की गई, लेकिन अभी बजट में बात की गई कि 1,00,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाने की बात की गई, जो निश टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देने के लिए है। और इस तरह के जब हम कॉर्पस की बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो शिक्षा के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि आज का युवा निकल कहाँ से रहा है, स्टार्टअप पैदा कहाँ हो रहे हैं, वो शिक्षण संस्थाओं में हो रहे हैं, इनक्यूबेटर सेंटर्स में हो रहे हैं, तो इससे बदलाव आएगा। जहाँ तक आप शिक्षा के पे लोन की हम बात करें, जो एजुकेशन लोन की बात करते हैं, उस पे इस बजट में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि शिक्षा को हम अफोर्डेबल बना दें, एक बात मैंने आज सुबह कही थी जब मेरे से पूछा जा रहा था आप क्या उम्मीद करते हैं, तब मैंने ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें GST से मुक्त कर दिया जाए। GST की तारीफ़ की है, सबके कंट्रीब्यूशन की बात की है, अभी मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है लोन से ज़्यादा हमें अफोर्डेबिलिटी पे काम करना होगा और अवेलेबिलिटी पे काम करना होगा, और इस बजट में मुझे ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। GST में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न कई सारे व्यापारी वर्गों की तरफ से देखी गई है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें होना चाहिए था या नहीं हुआ है? देखिए, ये इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट की अपनी मर्यादाएँ हैं और उन मर्यादाओं का पालन किया गया है, इसलिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को भी। और बहुत ही संतुलित, बहुत ही एक ऐसा बजट है जिसमें ग्रोथ के मूल मंत्र को लेकर बात की गई है बार बार, और मैं आशा करता हूँ कि यदि हम इसी पेस पे चलते रहे तो जो हम अमृत काल की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें 47 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर, टैक्सेशन में कोई बदलाव शायद नहीं किया गया है, बाकी का आप बता सकते? जैसे मैंने कहा, कोई भी विशेष बदलाव कहीं भी नहीं किया गया। बात की गई है कि जो चीज़ें चल रही हैं हम उसे उसी पेस पे लेकर जाएं। तो जब हम इस विषय को देखते हैं कि टैक्सेशन में बदलाव नहीं है और इस तरह के बदलाव नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है। सरकार को ये लग रहा है कि हमें कोई ऐसी बातें करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कहीं डिरेल ना हो जाए जो प्रोग्रेस चार्ट चल रहा है। सरकार ने कहा है कि जहां हम जा रहे हैं वो यात्रा सही है, मंजिल मिलेगी, हम सब उसमें साथ रहें। सर, आम आदमी की अगर बात करें तो उसे ज़्यादातर मतलब रहता है क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, तो उसको लेकर अगर आप कुछ बताना चाहें। क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ समय बताएगा, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें उस तरह से डायरेक्टली नहीं हुई हैं, अभी जो जिस तरह चल रहा है उसी को शायद कायम रखने की कोशिश की गई, साथ में सुविधाओं को बढ़ाने की बात की गई है। बदलाव आएगा, अभी इसका डिटेल्ड वर्जन आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो। कुल मिला के संतुलित बजट है, बहुत अच्छा बजट है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।